मेरी मम्मी भी आ रही है सामने से। हो गया ये टाइम तो अब हम सारे तो मेरी बड़ी भूख लग रही है। अच्छा तू अपना चिंचिन जी चिंचिन अगले भाई चाय टाइम ये हम ना लाहौर जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी। तो मौसम आपको बताया था आजकल दोबारा ख़राब हुआ है यहाँ पे, तो कुछ मेरे दोस्त हैं मैं इंग्लैंड से, तो आज उनकी मैंने इफ्तारी रखी हुई है जी। तो इफ्तारी से पहले प्रोग्राम बना है जी, अम्मी की आज अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर पे, उनके असल में स्कैन्स वगैरह होते हैं, अपना रूटीन चेकअप वगैरह होता है। तो आज जी उनको लेके जा रहा हूँ भी हॉस्पिटल, अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ घर के बाहर खड़ा होके, और आगे मेरा अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं, तो 1 घंटा यहाँ से जाते भी लग जाना, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट बहुत कम हैं। तो जो अफ्तारी मैंने प्लान की है वो मैंने किया जी, एक रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल भी इसके पोर्ट के ऊपर है, समुंदर के ऊपर रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लाहौर रेस्टोरेंट उसका नाम है। तो मैं आज इनको लेके दोस्तों को सबको उधर जा रहा हूँ जी इफ्तारी करवाने के लिए, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी बस अम्मी का इंतज़ार है, अम्मी जैसी आती हैं फिर उनको लेके मैं जाऊँगा जी उनका स्कैन करवाने के लिए हॉस्पिटल, फिर उनको ड्रॉप करके फिर मैं दोस्तों को मिलने जाऊँगा, वहाँ से उनको लेके फिर मैं इफ्तारी करने जाऊँगा जी। फिर एक जगह पर हमारी टी टाइम है, वहाँ पर टी टाइम पर जाएंगे, और रात को हमारे लूडो के मैच हैं सहरी तक। तो बड़ा वो है जी बिजी स्केड्यूल, तो आप हमारे साथ रहिए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा हमारे साथ, आपको पूरा दिन आज दिखाते हैं जी कि कैसा गुजरता है हमारा दिन। तो अपना ख्याल रखें, सी यू सून अगेन जी। ले जी अब मैं और अम्मी रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं अब हॉस्पिटल के करीब ही है, इतना दूर नहीं है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर है हमारे घर से, तो लगा लें 20-25 मिनट की ड्राइव है। तो ये अंडरपास जो ये ज्वाइन करता है पूरे सिटी को क्रॉस करवाता है ना जी बगैर इशारों के। मौसम आज बड़ा प्यारा है, दोबारा क्लाउडी सा, तो बारिश है अब आगे 3-4 दिन, तो इसी तरह ही आसमान आजकल बादलों से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा जी, लेकिन यह कि ठंडा ठंडा मौसम है अभी भी मज़ेदार सा। ये मेन यहाँ का कतरान एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली कतरान लोग रहते हैं, जो इधर के सफाई लोग हैं, एक वेरी नाइस जी। जी बारिश ने जान छोड़ दी जी बार्सिलोना की, पर अभी दोबारा ठीक ठाक ठंड शुरू हो गई है और बारिश शुरू हो गई है, और ये बिल्डिंग बड़ी प्यारी है। इस वक्त मैं बिल्कुल ये लेस अप के पता नहीं मास्क लाया, मैं पोली जाना मास्क लाया, ऐसे में हॉस्पिटल यहाँ पर आज से मास्क खत्म हो गए हैं बार्सिलोना में, लेकिन हॉस्पिटल के पास अंदर जाके लगाना पड़ता है। तो बस जब मम्मी को पिक करने जा रहा हूँ, मैंने कहा अभी गड्डी पुत्र इतनी लाया, मैं नहीं वापस तोड़ के जाना, मैं अब तोड़ के जा रहा हूँ, और ये पहाड़ ऊँची है तो इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं लोगों के घरों में जाने के लिए भी। तो जी अफ्तारी में रह गया 1 घंटा और मैं लेट हो रहा हूँ अफ्तारी से, अम्मी को जल्दी जल्दी ड्रॉप करके मैंने पहुंचना है दोस्तों को लेके अफ्तारी पे, तो आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मेरी अम्मी भी आ रही हैं सामने से, वो स्लिपरी भी पड़ी गई तो डिग ही ना जाए माँ मेरी, तो हारे ध्यान ध्यान से। तो जी ये पार्क बड़ा मैं बड़ा अच्छा खूबसूरत, और ये अब बारिश का मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, तो लेकिन यह कि मैंने जल्दी जल्दी पहुंचना है, बस भागम भाग लगी है अभी, वैसे इफ्तारी में पड़ा हुआ है 1 घंटा, अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, लेकिन यह कि टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा, इसलिए अब भागम भाग अम्मी को ड्रॉप करके इंशाल्लाह फिर आगे जाऊंगा। नहीं जी फाइनली वी आर टुगेदर जी, सरमद फानी अब्दुल्ला, और दोबारा मास्क ला के आ रहे अभी नहीं। अच्छा ठीक तो जी अब हम पहुँचने वाले हैं रेस्टोरेंट पे, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नात नूत पढ़ मेरा भाई, वेदर वेदर बहुत प्यारा दो दूर नहीं वेदर जी है, शतानिया कर रहे जी दे रहे तुम दस रो, मैं जद्दा ले आया खजूरा दरखत आ गए। तो जी ये यहाँ का पोर्ट है, और ये है जी लाहौर रेस्टोरेंट, यही है वो कॉर्नर से मैं काम करना मेरा वो ऑफिस वो लास्ट इमोशन अब्दुल्ला भाई का ऑफिस इधर है जी,
ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਖੁਰਦਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਖੁਰਦਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਖੁਰਦਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਟੇਸ ਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੁਰਦਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਜੀ ਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਤਰੰਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਟੇਸਟ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀ ਫਤੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਰੀ ਪਾਣੀ ਖਜੂਰੇ ਔਰ ਸਾਥ ਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਔਰ ਸਾਥ ਇਨਸਾਈਡ ਵਿਊ ਔਰ ਸਾਥ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਪੂਰੀ ਲੰਗਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਰਫਤਾਰੀ ਕਰੇਗੇ ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਸਰ ਕੜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਰੀ ਤਿੱਕਾ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਤੇ ਗਾਣੇ ਨੀ ਜੀਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿੰਦ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਕਰਨ ਪੰਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਲੋ ਮੈਂ लो जी हम लोगों ने इफ्तारी जी हमारी हो गई है जी और बहुत मज़े की इफ्तारी थी चिन चिन जी चिन अगले भाई चाय टाइम ये हम ना लाहौर रेस्टोरेंट में बैठे हुए और एक दफ़ा उधर भी दिखा दें कि लाहौर रेस्टोरेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बड़ा ही चाय भी अच्छी बनी है कमाल आप कहें जी आप कमेंट दें अपने खाने के इफ्तारी के बारे में क्या आपको लगा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इनका जो खाना इतना टेस्टी था ना आई थिंक ये बेस्ट रेस्टोरेंट है मुझे टेस्ट के लिहाज से आई थिंक मुझे इनको मैं 10 में से 9 नंबर दूँगा वेरी नाइस बिल्कुल जी भाई जान आप इंग्लैंड से हैं आप कंपेयर करें अगर इंग्लैंड के खाने को और यहाँ के खाने को बहुत बहुत मज़े का था जो सबसे मज़े का ये था कि जब नान मंगवाया हमने नान जो चीज़ नान आया चीज़ नान और उसके बाद जो कुलचे वाला नान आया चाय नहीं जी ओवरऑल हमें बड़ा मज़ा आया और अब हम अपने कैमरामैन से हाँ कैमरामैन के बुलाते हैं माशाल्लाह जी अब्दुल्ला भाई आप क्या रिमार्क्स हैं जी माशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच शाह जी इनफ्लो प्लान आपकी तरफ से था आज हाँ प्लान मेरी तरफ से लेकिन बिल हम गया ना कटे देने ये शाह जी का अंदाजे में हल्की हल्की मीठी मीठी करते हैं तो बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा खाना था जी और काफ़ी मज़ा आया अभी बस मेरी पूरा टाइम स्टार्ट हो गया मतलब जुटते ही जुटते हैं यार मैं अब जी क्योंकि देखिए जी इफ्तारी भी हो गई है तो अब थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए हीटर शीटर सेक रहे हैं बाहर बहुत ठंड है सो कर बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले तो गाड़ी भी देखे ना सारी थी ये आप देख सकते हैं जी ये देख सकते हैं जी और आप ये देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आए हैं हम अब्दुल्ला भाई की गाड़ी है बस ये चेंज करने वाला हूँ आजकल ठीक है जी आपसे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी गाड़ी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़